हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब्स ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, कल के पीरियड में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान और उसके रूल, उसकी पहचान और उसके रूल्स को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अलग अलग सेंटेंस और उन सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। किसका होगा पॉजिटिव सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, ये पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसका यूज किया जाता है? सब्जेक्ट। इसमें भी क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज या हैव। हैज या हैव के साथ क्या लगाना है? बीन। बीन के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आई एन जी फॉर्म। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस। फॉर या सिंस के बाद किसका यूज किया जाएगा? टाइम। तो ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर। अब इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं कि किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल की हिंदी से अंग्रेजी बनाई जाती है। जैसे वह सुबह से पानी पी रहा है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, वह सुबह से पानी पी रहा है। इसकी अब हम क्या करेंगे? अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वाक्य में इसकी पहचान क्या लिखी हुई है। वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रहा है। अब यदि वाक्य के लास्ट में रहा है आ जाता है, क्या आ जाता है? रहा है, तब तो वो बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन साथ में यदि टाइम प्लस से और दिया गया है वाक्य में, अर्थात से रहा है बनता है वो, तब वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें रहा है प्लस में से भी दिया गया है सुबह से, तो ये वाक्य बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब उसके बाद हम ये देखते हैं उसका एक कौन सा सेंटेंस है। हमने देखा कि इस ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क अंत में नहीं है, तो इंटरगेटिव भी नहीं है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी नहीं है। वाक्य में नहीं शब्द आया नहीं, तो ये नेगेटिव भी नहीं है, बस कौन सा गया? पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा हुआ है, बाकी का इसको हमारे को याद कर लेना होगा कि पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? अर्थात पीने का काम कौन कर रहा है? पीने का काम कर रहा है वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। यहाँ पर कर्ता एकवचन है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? हैज। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पी रहा। पी रहे की क्या आएगी? पीने की, ड्रिंक। ड्रिंक के साथ क्या लगा देंगे? आई एन जी, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? पानी। पानी क्या हो जाएगी? वाटर। उसके बाद किसका यूज करेंगे? फॉर या सिंस का। अब यहाँ पर सुबह से लिखा हुआ है, तो सुबह निश्चित समय होता है या अनिश्चित? तो सुबह का जो टाइम होता है मॉर्निंग का, वो एक निश्चित समय होता है, इसलिए इसके साथ किसका यूज कर देंगे? सिंस। और सुबह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मॉर्निंग हो जाएगी। तो ये अपना कौन सा सेंटेंस था? नंबर एक पर पॉजिटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से हम दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेम वही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। मैंने कल भी बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद किसका यूज करेंगे? नोट का। हैज या हैव के बाद तथा बीन से पहले किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की आई एन जी फॉर्म। कौन सी फॉर्म चलेगी इसके अंदर? वर्ब की आई एन जी फॉर्म। और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद किसका यूज किया जाएगा? फॉर या सिंस का। फॉर या सिंस के बाद क्या लग जाएगा? जो वाक्य में टाइम दिया गया होगा वो टाइम लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, वे दो दिन से नहीं रो रहे हैं। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, वो दो दिन से नहीं रो रहे, अंत में रहे हैं, से दिया गया से रहे हैं, टाइम दिया गया दो दिन,
नहीं सब आया नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। दे के साथ हैज या हैव में से हैव लगेगा क्योंकि दे बहुवचन करता है। उसके बाद नोट क्या लगा देंगे? नोट। नोट के बाद क्या लगा देंगे? बीन। वर्ब क्या है? रोना। रोने क्या होती है? वीप। वीप के साथ क्या लगा देंगे? आई एन जी। वीपिंग ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है, नहीं है तो क्या उतार देंगे? ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ देना। उसके बाद फोर या सिंस लगा देंगे। दो दिन से, दो दिन कैसा टाइम है? अनिश्चित। किसका यूज किया जाएगा? फोर। उसके बाद टू डेज, ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस तैयार होता है, नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। उसके बाद नंबर तीन पर होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आएगा? इंटरोगेटिव। नंबर तीन पर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये लिखते थे, उसी प्रकार से इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर भी इसी प्रकार से लिखेंगे। फर्क इतना ही होगा, वही शब्द यूज किए जाएंगे कि सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? हैज या हैव। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था, हैज या हैव, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा? बीन का। बीन के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म, और वर्ब की आई एन जी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस के बाद में टाइम, और इसके बाद अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, और यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रेषण सूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी उसी प्रेषण सूचक शब्द से शुरू करके बनाएंगे। क्या तुम 2016 से कक्षा 10 में पढ़ रहे हो? क्या तुम 2016 से कक्षा 10 में पढ़ रहे हो? क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट तुम हो, बहुवचन है इसलिए क्या लगा देंगे? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने क्या होती है? स्टडी या फिर रीड, तो यहाँ पर स्टडी, स्टडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कक्षा 10 में, इन क्लास 10th। उसके बाद 2016 से, 2016 निश्चित समय, किसका यूज कर देंगे? सिंस। उसके बाद 2016 और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद नंबर चार पर अपना चलेगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या सिंस, प्लस में टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे 2 घंटे से कक्षा में क्यों हंस रहे हैं? क्यों नहीं हंस रहे, सॉरी, क्यों नहीं हंस रहे हैं? वे 2 घंटे से कक्षा में क्यों नहीं हंस रहे हैं? अब ये वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य में नहीं शब्द आ गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो गया। वाक्य के बीच में क्या है? क्यों। अंग्रेजी किससे शुरू करेंगे? उसी डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट कौन है, वे, वे के साथ क्या लगेगी, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, वर्ब क्या है, हंसना, हंसने क्या होती है, लाफ, लाफ के साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी, लाफिंग, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कक्षा में, इन क्लास, बस क्या गया, दो घंटे से, दो घंटे अनिश्चित समय किसका यूज कर देंगे, फोर, उसके बाद टू आवर्स, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो वे दो घंटे से कक्षा में क्यों नहीं हंस रहे, वाई हैव दे नॉट बीन लाफिंग इन क्लास फॉर टू आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके चारों सेंटेंस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था जो कि कंप्लीट हो गया। अब कल आपको करवाएंगे पास्ट टेंस, पास्ट के जो चारों इसी प्रकार से चलेंगे जैसे प्रेजेंट के चले, उसी प्रकार से पास्ट के चारों भाग चलेंगे।